गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो IS कोड रिकमेंडेशन फॉर CA डिज़ाइन। IS कोड ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं CA डिज़ाइन के लिए, जो कि क्लॉज नंबर 40 में दिया हुआ है आपके IS 452000 के, और पेज नंबर 72 और 73 पे सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं। मैं उसको एलोबरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस के बारे में कोड ने बताया है कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का जो रिकमेंडेशन है कोड का IS 452000 का, ये है कि नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इस इन बीम और स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ इज कैलकुलेटेड बाई टाउ वी बराबर व्यू अपॉन बी इंटू डी। ठीक, ये सब फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं। टाउ वी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, व्यू क्या है, शेयर फोर्स ड्यू टू डिजाइन लोड है, बी विड्थ ऑफ द बीम है, डी इज इफेक्टिव डेप्थ। ये तो है यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए। जब आएगा वेरिंग डेप्थ, मतलब वेरिंग डेप्थ का मीन्स ये हो गया कि वेरिंग डेप्थ जैसे ये हो गया, दिस इज वेरिंग डेप्थ, दिस डेप्थ इज वेरिंग, ये डेप्थ आपकी वेरी कर रही है, उसके लिए आपका जो भी फॉर्मूला आएगा टाउ वी का, वो क्या हो जाएगा, वीयू प्लस माइनस एम यू डिवाइड बाई टू टेन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी। अब इसमें एम जो है आपका बेंडिंग मोमेंट ऑफ द सेक्शन है, बीटा है एंगल ऑफ द टॉप एंड बॉटम एज ऑफ द बीम। ठीक, बाकी सब कुछ आपको वेल नोन है पहले से ही। अब बात आता है कि पॉजिटिव और निगेटिव हम कब लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव हम कब लेंगे। तो निगेटिव साइन इन फॉर्मूला इज अप्लाइड वेन द बेंडिंग मोमेंट इंक्रीजेज न्यूमेरिकली इन द सेम डायरेक्शन एज द इफेक्टिव डेप्थ इंक्रीजेज। मतलब बेंडिंग मोमेंट जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, अगर निगेटिव साइन हम वहाँ लगाएंगे जब बेंडिंग मोमेंट जिस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा इफेक्टिव डेप्थ भी इंक्रीज करेगा, तो वहाँ निगेटिव हो जाएगा। और सेम इसका वाइस वर्सा, जब बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज करेगा और डेप्थ डिक्रीज करेगा सेम डायरेक्शन में, तो वहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो हमारा रिकमेंडेशन था वो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस के लिए था। एक ये है, ये आपका यूनिफॉर्म डेप्थ के लिए, और दिस इज फॉर बैरिंग डेप्थ। अब जो इसमें अगला रिकमेंडेशन है वो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, टाउसी के लिए डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट हम पहले भी निकाल चुके हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल इन्फोर्समेंट द डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट टाउसी इन बीम विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट इस गिवन इन टेबल नंबर 19 ऑफ IS 456 पेज नंबर 73 पे आपको दिया हुआ है। इससे हम अगर डायरेक्ट वैल्यू हमारी मैच कर जाती है तो अच्छा, नहीं तो फिर हम इंटरपोलेशन से टाउसी की वैल्यू को निकालते हैं। जो हमारा अगला रिकमेंडेशन है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए जिसको टाउसी मैक्स बोलते हैं, टाउसी मैक्स बोलते हैं इसकी जो इसका जो टेबल है उसको टेबल नंबर 20 में इसकी वैल्यू दी हुई है, जो कि अभी मैं आगे आपको शो करूंगा। इसमें तीन कंडीशंस हैं, ध्यान से जरा देखा जाए। कंडीशन वन जो है इफ टाउसी, अब इसमें पहले ये हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या टर्म क्या है। टाउवी को हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, टाउसी को हम डिजाइन शेयर स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट बोलते हैं, टाउसी मैक्स को मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट बोलते हैं। तब आते हैं अपने पहले कंडीशंस की तरफ। टाउसी इज ग्रेटर देन टाउवी, यानी डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जब ज्यादा हो जाएगा नॉमिनल से, देन नो नीड ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट टू प्रोवाइडेड, कोई जरूरत नहीं है हमें शेयर इन्फोर्समेंट की प्रोवाइड करने की, बस हम यहाँ पे नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगली कंडीशन, अब इसका जस्ट रिवर्स, पहले का जस्ट रिवर्स, टाउवी इज ग्रेटर देन टाउसी, देन प्रोवाइड शेयर इन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स। हमको शेयर इन्फोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टीरअप्स। अब स्टीरअप वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, बेंट अप इंक्लाइंड दोनों हो सकता है, उसके लिए आगे हमको कंडीशन भी पढ़ेंगे। एंड द थर्ड कंडीशन इज टाउवी इज ग्रेटर देन टाउसी मैक्स, जब टाउवी जो है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर सेक्शन हमको रीडिजाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर हमको सेक्शन रीडिजाइन करना पड़ेगा। तब तक रीडिजाइन करना पड़ेगा जब तक कि टाउसी मैक्स की वैल्यू टाउवी से बड़ी ना हो जाए। तो ये हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए कंडीशन था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट, वही जो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये आपको टेबल नंबर 20 में है और पेज नंबर 73 पे ये आपको दिया हुआ है ये कोड में। ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है और टाउसी मैक्स की वैल्यू, यानी M15 के लिए 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M20 के लिए 2.8, इस सारी वैल्यू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। M25 3.1, M30 3.5, M35 3.7 और M40 एंड उसके एमएम के लिए 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। ठीक, ये वैल्यू टाउसी मैक्स की है, ये आपको IS कोड में टेबल नंबर 20 में दी हुई है। ठीक है, और पेज नंबर 73, पेज नंबर इसका 73, इसका भी पेज नंबर 73 है। अब आता है मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट, हम मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्या दे सकते हैं। तो ये आपका क्लॉज नंबर 26.5.16 में दिया हुआ है IS कोड के। ठीक है,
इसमें कंडीशन क्या होती है कि जब टाउ सी की वैल्यू टाउ वी से ज़्यादा देती है तो हमने क्या बोला था कि नो सीयर इन्फोर्समेंट इज टू बी डिजाइन बट मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड। यानी ये हमारा पहला वाला केस है, ये नहीं हमारा क्या, ये पहला वाला केस यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखिए फर्स्ट केस यहाँ पे टाउ सी की वैल्यू ज़्यादा है तो उस केस में सिर्फ हम क्या मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला क्या था, ए एस बी डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई। ठीक, ये मिनिमम सीयर इन्फोर्समेंट यील्ड कंडीशन होती है, याद रखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए एएसवी जो होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरअप्स इफेक्टिव इन शीयर। ठीक, डेल्टा भी क्या स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मेंबर, मतलब स्पेसिंग कितनी रखी गई है दो स्टीरअप्स के बीच में। बी से विड्थ ऑफ द बीम, ब्रेथ ऑफ द बीम। एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर विच शैल नॉट बी ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। यानी जो मीन जो हम शीयर में यूज़ करते हैं स्टीरअप्स, शीयर में जो हम स्टीरअप्स यूज़ करते हैं उससे हमको पता चलता है कि उसकी वैल्यू 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं आनी पाई। जो जो स्टीरअप्स हम रीइन्फोर्समेंट के रूप में यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिकमेंडेशंस की तरफ। अब आता है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स की, मतलब कितनी ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग हम क्या दे सकते हैं अपने शीयर में। ठीक, तो पहला आता है वर्टिकल स्टीरअप्स। अगर हम वर्टिकल स्टीरअप्स यूज़ करते हैं तो इन केस ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स मैक्सिमम स्पेसिंग शैल नॉट बी एक्सीड 0.75 डी और 300 mm विच एवर इज लेस। यानी स्पेसिंग 0.75 डी और 300, इनमें से जो वैल्यू लेस होगी वो हम वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए हमारी स्पेसिंग होगी। ठीक, लेसर वैल्यू। अब अगर हम इंक्लाइंड देते हैं तब क्या होगा, इन केस ऑफ इंक्लाइंड स्टीरअप्स एट 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो द मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन डी, डी इज इफेक्टिव डेप्थ और 300 mm विच एवर इज लेस। यानी डी इफेक्टिव डेप्थ है यहाँ पे और 300, इन दोनों में से जो लेस होगा वो हमारा स्पेसिंग होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने डिज़ाइन ऑफ सीयर रिइंफोर्समेंट की तरफ। डिज़ाइन ऑफ सीयर रिइंफोर्समेंट, कि अब हमको जब सीयर रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा तो कंडीशन हमारी सबसे पहले क्या है कि नॉमिनल सीयर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा होगी। ठीक, तो सीयर रिइंफोर्समेंट इज टू प्रोवाइडेड एंड कैन बी प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। सीयर रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइडेड करेंगे और किस फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टीरअप्स में दे सकते हैं और बेंट अप बार अलॉन्ग विद स्टीरअप्स, बेंट अप बार के साथ भी मिक्स करके हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ये ऊपर वाला स्टेप्स को देखने से पहले, हाँ इसे हम देखते हैं। कंपेयर व्यू एंड वीसी, कंपेयर व्यू एंड वीसी। व्यू हमारा फैक्टर सीयर फोर्स है और वीसी हमारा क्या है, सीयर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट, सीयर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन। कि हमारा कितना वो जो कंक्रीट जो हमारा सेक्शन है वो कितना सीयर को रजिस्ट कर लेगा वो हमारा वीसी बताता है। क्या बताता है, वो वीसी बताएगा। ठीक, और व्यू हमारा फैक्टर्ड सीयर फोर्स है। तो अब कंडीशन क्या आती है कि कब हमको शीयर इन्फोर्समेंट डिजाइन करना पड़ेगा, एक तो पहली कंडीशन टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी हो जाएगा, सेकंड इज व्यू इज ग्रेटर देन वीसी, मतलब फैक्ट व्यू इज ग्रेटर देन वीसी। वीसी हमारा क्या है, सीयर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन और व्यू फैक्टर सीयर फोर्स। देन प्रोवाइड सीयर इन्फोर्समेंट फॉर रजिस्टिंग द डिजाइन सीयर फोर्स। जो हमारा डिजाइन सीयर फोर्स आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए हमको सीयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डिजाइन सीयर फोर्स हमारा क्या है, व्यूएस। तो व्यू एस कैसे निकालेंगे, हम जो वैल्यू बड़ी उसमें से छोटी वाली वैल्यू घटा देंगे, तो बड़ा इसमें कौन है, व्यू, व्यू में से हमने वीसी घटा दिया। तो अब देखिए व्यू का जो फॉर्मूला आप यहाँ पे देखिए, व्यू बराबर आप लिख सकते हैं टाउ वी बी इन टू डी माइनस टाउ सी बी इन टू डी, ये हो गया। ठीक, अब आप पूछेंगे ये आप इसकी वैल्यू टाउ वी बी इन टू डी, आपने फॉर्मूला पढ़ा था व्यू बराबर व्यू डिवाइड बाई बी इन टू डी, अपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब आप चेंज कर लीजिएगा, व्यू की वैल्यू में क्या हो जाएगी टाउ बी बी इंटू डी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो व्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से बी डी कॉमन हो गया तो टाउ बी माइनस टाउ सी बी इंटू डी। ठीक है, हमारा व्यू एस क्या है, हमारा व्यू एस क्या है, डिजाइन सीयर फोर्स, डिजाइन फोर्स है जो हमारा क्या है, डिजाइन फोर्स है। अब आते हैं इसमें स्पेसिंग की बात। जब हम इस सीयर इन्फोर्समेंट हमने प्रोवाइड कर दिया, डिजाइन सीयर फोर्स निकाल लिया, तो अब इसके स्पेसिंग्स की बात आती है। तो स्पेसिंग्स में बात यह आती है कि स्पेसिंग तो हम दे रहे हैं पर वहाँ कौन सा स्टीरअप्स यूज़ कर रहे हैं, वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, बेंटअप यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। तो इफ़ वी आर यूजिंग वर्टिकल स्टीरअप्स द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स फाइंड आउट दिस फॉर्मूला वीएस इक्वल टू 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ए एस बी डिवाइड बाई इन टू डी डिवाइड बाई डेल्टा बी।
सेम चीज एफ वाई क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरअप्स है, ए एस वी टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टीरअप्स फ्लेक्स है, डेल्टा वी स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मेंबर और डी इज इफेक्टिव डेप्थ, ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक, अगर हम बेंट अप बार देते हैं तब क्या होगा, बेंट अप बार अगर हम लोग देते हैं तो शियर फोर्स टेकन बाय बेंट अप बार इज कैलकुलेटेड एट, अगर हम बेंट अप बार दे रहे हैं तो शियर फोर्स जो हमारा कैलकुलेट होगा उसको वी डब्ल्यू एस हमने डैश दे दिया बेंट अप बार के लिए, उसका फॉर्मूला होगा 0.87 एफ वाई ए एस वी इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा जो एंगल बनेगा जो बेंट अप बार का जो हम एंगल देंगे वो साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब जो वी यू एस है जो डिज़ाइन, ये वी यू एस किसके लिए है, ये बेंट अप बार के लिए शियर फोर्स है, तो ये बोल ये ऐसा कहता है, ऐसा होता है कि वी यू एस जो डैश होता है वी यू एस डिवाइड बाई टू, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो वी यू एस की वैल्यू जो बेंट अप बार की वैल्यू है, अगर मान लीजिए बेंट अप बार की कोई वैल्यू है तो वो वी यू एस जो हमारा डिज़ाइन फोर्स है उसके दोगुनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वी यू एस डिवाइड बाई टू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंगल एंगल से एंगल एंगल बिटवीन द बेंट अप बार्स एंड मेंबर इन एक्सिस अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री, ये जो अल्फा की एंगल होगी वो या तो 45 होगी या 45 से ज़्यादा होगी। तो ये हमारे कुछ आई एस कोड रिकमेंडेशंस थे जिसके बिहाफ पे हम अपना न्यूमेरिकल को आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा क्योंकि ये मैंने सारे रिकमेंडेशंस मैं आपको फिर से एक बार शो ऑफ कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि मैंने पहले नॉमिनल शियर स्ट्रेस बताया, उसके दो केसेस बताए, जब जब एक डेप्थ यूनिफॉर्म रहेगा तब उसके लिए ये फार्मूला, वेरिंग रहेगा उसके लिए ये फार्मूला, देन आफ्टर वी विल डिस्कस टाउसी, टाउसी ऑलरेडी हम पहले भी कई स्टेप्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी टेबल से निकालते हैं टेबल नंबर 19 से, फिर मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस क्या कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशंस में हम प्रोवाइड करते हैं सीयर इन्फोर्समेंट, देन आफ्टर टाउसी मैक्स की जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपके कोड में दी हुई है, मिनिमम रिन्फोर्समेंट के लिए क्या कंडीशंस होती हैं और उसका फार्मूला क्या होता है निकालने के, ये हमने डिस्कस किया, देन आफ्टर वी डिस्कस्ड मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द स्टीरअप्स, अगर वर्टिकल स्टीरअप्स है तो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा, फिर बात यह आती है कि ये तो नॉर्मल के लिए है, जब हम डिज़ाइन सीयर इन्फोर्समेंट करेंगे कि बस हमको अब ये पता चल गया कि हमारा सीयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किस फॉर्म में उसको हम डिज़ाइन करते हैं, ये हमने बताया, देन आफ्टर वी कंक्लूड कि डिज़ाइन फोर्स क्या होगा, फिर डिज़ाइन फोर्स में अगर हम सीयर इन्फोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे वर्टिकल स्टीरअप्स और बेंट अप बार्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेसिंग हम कैसे निकालेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ शीयर इन्फोर्समेंट पढ़ेंगे, डिज़ाइन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था कि सीयर आई एस कोड रिकमेंडेशंस हमारे क्या क्या हैं सीयर एनफोर्समेंट डिज़ाइन के लिए, तो सारे रिकमेंडेशंस हमने पढ़े थे, तो उस रिकमेंडेशंस के बाद मैं आपको डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ सीयर एनफोर्समेंट ला रहा हूँ, जो कि एकदम उसका समझ लीजिए उसका जो पूरा उस वीडियो का जो समरी है वो इसमें मैंने आपको डाल दिया है कि कैसे कैसे स्टेप वाइज हम जाएंगे और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिकमेंडेशन हमारा बहुत बड़ा है, कई चीज़ें हैं, अब उसको हमने पूरी समराइज वे में यहाँ पे लिखा है कि आप कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और अपना न्यूमेरिकल आप लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन, कैलकुलेट क्या करेंगे आप, शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू गिवन लोड्स, हो सकता है कि आपको सीयर फोर्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो और ना गिवन हो तो आप क्रिटिकल सेक्शन पे निकाल लेंगे। स्टेप नंबर टू, डिटरमाइन नॉमिनल सीयर स्ट्रेस, नॉमिनल सीयर स्ट्रेस को हम टाउवी बोलते हैं, टाउवी के लिए दो कंडीशन है, अगर यूनिफॉर्म डेप्थ है तो ये फॉर्मूला लगेगा और वैरिंग डेप्थ है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ टर्म्स के बारे में डिफाइन किया है कि कौन सा टर्म यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे या अपना मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे तो सही सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टेप नंबर थ्री, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्क्रीट ग्रेड एंड परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट शियर रिइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्क्रीट टाउ सी फ्रॉम टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73, ये ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, टाउ सी कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि टेबल नंबर 19 में है और पेज नंबर 73 पे दिया हुआ है। इस स्टेप्स को भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बाय इंटरपोलेशन भी निकाल लेते हैं, कभी कभी वैल्यू डायरेक्ट गिवन होती है उस परसेंटेज ऑफ स्टील में मिल जाती है तो हम निकाल लेते हैं, नहीं उस परसेंटेज ऑफ स्टील में मिलती है तो हम इंटरपोलेशन से निकाल लेते हैं। ओके, स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाउवी जो कि नॉमिनल सीयर स्ट्रेस है और टाउसी डिज़ाइन मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस है, टाउसी मैक्स क्या है, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस है,
मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, इसका भी तो इसमें जब कंपेयर करेंगे पहला कंडीशन क्या होगी कि टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, अगर टाउ वी बड़ा हो गया तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, वो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन द सेक्शन। कब तक रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, जब तक कि टाउ सी मैक्स बड़ा ना हो जाए, रीडिज़ाइन तब तक करेंगे जब तक कि टाउ सी मैक्स टाउ वी से बड़ा ना हो जाए। और टाउ सी मैक्स की जो वैल्यू दी है वो टेबल नंबर 20 में आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है, IS 456 2000 में पेज नंबर 73 पे जो आपको गिवेंड है। अगला स्टेप आता है कंपेयर टाउ वी एंड टाउ सी, टाउ सी इज नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ सी इज डिजाइन शियर स्ट्रेस। अब इसमें कंपेयर करना, जिसमें दो कंडीशन बनेंगी, पहला पहले कंडीशन में बोलेगा टाउ सी बड़ा होगा और टाउ वी छोटा होगा, तो क्या होगा कि इसमें हमको शियर इन्फोर्समेंट नहीं डिजाइन, हमको सिर्फ नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरअप्स। अगर टाउ सी जब बड़ा होगा सिर्फ हमको नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट देना होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरअप। अगर हम नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट देंगे तो उसकी स्पेसिंग क्या होगी, तो उसकी स्पेसिंग के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है और हमको नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट निकालने के लिए भी एक फार्मूला दिया हुआ है। ठीक, तो नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट का जो फॉर्मूला होता है ए एस वी डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.45 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई। उसमें डेल्टा वी क्या है, स्पेसिंग। ये सारा क्वेश्चन आपको गिवन डेटा में दिया होगा क्वेश्चन में, तो आप यहाँ से डेल्टा वी निकाल लेंगे। अब बात आती है कि अगर अब यहाँ पे दूसरा केस बनेगा जस्टिस का रिवर्स, पहले केस में टाउ सी बड़ा था, अब दूसरे केस में टाउ वी बड़ा हो गया, जब टाउ वी बड़ा होगा तो शियर इन्फोर्समेंट इज टू बी डिजाइन एज फॉलोज। अब हमको शियर इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो शियर इन्फोर्समेंट को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन फोर्स निकालना पड़ेगा, डिज़ाइन फोर्स वी एस, डिज़ाइन फोर्स वी एस। वी एस का जो फॉर्मूला होता है वी यू माइनस वी सी, वी यू माइनस वी सी, ये फैक्टर्ड शियर फोर्स आप उसको बोल सकते हैं। वी सी जो है शियर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन, वी सी इज द शियर रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट सेक्शन। और वी सी का फॉर्मूला होता है टाउ सी बी इंटू डी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कैसे आया हुआ। तो वी एस क्या हो गया, वी यू माइनस टाउ सी बी इंटू डी, तो हमारे यहाँ से डिज़ाइन फोर्स निकल जाएगा। जब हमारे यहाँ से डिज़ाइन फोर्स निकल जाएगा तो हमें उसकी स्पेसिंग के लिए दो तीन कंडीशंस दी हुई हैं। पहला क्या है, इफ़ वर्टिकल स्टीरअप्स आर प्रोवाइडेड, अगर हम वर्टिकल स्टीरअप्स आर प्रोवाइडेड कर रहे हैं द स्पेसिंग इज गवर्न बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो स्पेसिंग इस इक्वेशन से गवर्न होगी, वी एस बराबर 0.87 एफ आई ए एस वी इंटू डी डिवाइड बाई डेल्टा वी। यहाँ से हम डेल्टा वी निकाल लेंगे। इफ अगर हम नहीं, दूसरा कंडीशन है कि फॉर इंक्लाइंड स्टीरअप्स और ए सीरीज ऑफ बेंटअप एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, बेंटअप बार हम डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस पे दे रहे हैं इंक्लाइंड स्टीरअप्स से, तो वी एस का फॉर्मूला क्या होगा, 0.87 एफ वाई ए एस बी डी डिवाइड बाई डेल्टा वी ब्रैकेट में एल्फा साइन एल्फा इंटू कॉस अल्फा। तीसरा कंडीशन क्या है, देखिए सब में वी एस की जरूरत पड़ रही है, जो कि हम वी एस हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ। तीसरा कंडीशन है फॉर सिंगल बार और सिंगल ग्रुप ऑफ पैरेलल बार्स ऑल बेंट अप एट ऑल द सेम क्रॉस सेक्शन, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम क्रॉस सेक्शन पे दिया है, जैसे डिग्री ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका सेम होगा, सेम क्रॉस सेक्शन पे, तो क्या होगा, वी एस बराबर 0.87 एफ आई ए एस वी साइन अल्फा। इस फॉर्मूले से हम वी एस निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम चीज़ों को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। अब आती है बात कि ये तो हमारा शेयर इन्फोर्समेंट के हिसाब से कंडीशन होगा, कोड ने एक मैक्सिमम कंडीशन भी दी है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। उसमें दो कंडीशन दी हुए हैं, एक वर्टिकल के लिए दी हुई है, एक इंक्लाइंड के लिए दी हुई है। तो इन वर्टिकल के लिए क्या दी हुई है, द स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स शैल नॉट एक्सीड 0.70 और 300 mm विच एवर इज लेस। अगर वर्टिकल स्टीरअप्स दे रहे हैं तो 0.75D और 300 mm में से जो वैल्यू है मिनिमम आएगी वो हमारी मैक्सिमम स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, इसमें कंडीशन ये भी दी हुई है कि इट शुड ऑल्सो नॉट बी लेस देन स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स एज रिक्वायर्ड बाई नॉमिनल शेयर इन्फोर्समेंट। मतलब ये है कि इसकी स्पेसिंग इतनी कम नहीं होनी चाहिए जितना कि हमको जरूरत है नॉमिनल के लिए। ये भी बात का ध्यान रखना है कि स्पेसिंग इसकी इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि जितना आपको नॉमिनल में जरूरत है। ठीक, अब दूसरा, अगर इंक्लाइंड स्टीरअप्स हम दे देंगे 45 डिग्री पे, फॉर इंक्लाइंड स्टीरअप्स एट 45 डिग्री द मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट ग्रेटर देन डी और 300 में विच एवर इज लेस। ठीक, अगर वर्टिकल देंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और इंक्लाइंड देंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस कुल इन चीज़ों में हमें आपको जो निकालना है वर्टिकल स्टीरअप्स इंक्लाइंड स्टीरअप्स जो स्पेसिंग को निकालनी है तीन जगह से निकलेगी। पहला स्पेसिंग निकलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला स्पेसिंग निकलेगा मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट से। फर्स्ट स्पेसिंग जो हमारा निकलेगा मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट से निकलेगा। दूसरा इनमें से इसमें से कहीं निकलेगा हमारे
अगर ये केस फॉलो करता तो यहाँ से, अगर ये केस फॉलो करता तो यहाँ से दो दो स्पेसिंग हो गई, और तीसरी स्पेसिंग यहाँ से निकलेगी। अगर वर्टिकल दिया हो तो ये स्पेसिंग होगा, इंक्लाइंड है तो ये स्पेसिंग होगा। अब तीन स्पेसिंग्स आपको न्यूमेरिकल में निकलेंगी, तो उसमें से जो सबसे मिनिमम होगा उस स्पेसिंग को आप अपने क्वेश्चन में अडॉप्ट करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आपको न्यूमेरिकल डालूंगा तो उसमें आपको वो चीज़ें एकदम पूरी तरह क्लियर हो जाएंगी। तो आप इस थ्योरी को एक बार, आप IAS कोड रिकमेंडेशंस को पढ़ लीजिए, देन आफ्टर डिज़ाइन स्टेप्स को देख लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल डालूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैंने आपको डिज़ाइन स्टेप्स पूरा समझा दिया। मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं आपको फिर से एक बार डिज़ाइन स्टेप्स आपको सारा दिखा दिया मैंने। और देन आफ्टर दिस पेज, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपने न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू।